कम लग जाएगा और बगीचे में पेड़ है तो कुछ भी नहीं लगे। हमने यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भी था कि गुजरात गवर्नमेंट हमको साथ दे और बाबागिरी से नहीं, दवा देने से पहले भी रिपोर्ट कर लेना, बाद में भी कर लेना, मेरी मेडिसिन का लैब टेस्ट भी कर लेना, और अगर उन्हें मैं ठीक नहीं करूं तो फांसी दे देना। इतना बड़ा चैलेंज दिया था स्वाइन फ्लू के लिए, वो भी 36 घंटे। लेकिन जो बड़े बड़े लोगों को आशीर्वाद दिया है उसका क्या होगा, आप समझें। आयुर्वेद का केंद्र खुला है, ये आप लोगों के सहयोग और किसी ना किसी पूर्व जन्म में हमारे आप लोगों से संबंध है। इस धरती पर मेरा कोई लगाव होगा पूर्व जन्मों में जिसने मुझे बार बार आकर्षित किया आयुर्वेद की तरफ से। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं, हमारा स्लोगन है नर सेवा नारायण सेवा, मानव सेवा माधव सेवा। आर्थराइटिस की हम बात करें तो कितने आर्थराइटिस के बारे में ये डॉक्टर्स जानते हैं, और जिस डॉक्टर को बहुत ज़्यादा लगता हो कि स्वामी जी झूठ बोलते हैं, प्रैक्टिकली सामने बैठना और टेक्निकल मेडिकली रिपोर्ट के साथ बात करना। हम आपको बता देंगे कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग और कसाई खाना ये कैसे चलाते हैं। जब आप जाते हैं ना दवा दिखाने के लिए, हार्ट में प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर साहब कितना भ्रमित करते हैं आपको, अब भी नहीं किया तो आप हार्ट अटैक हो जाएंगे। आप कहते रहो नहीं मैं तो अभी इतनी दूर से गाड़ी चला के लाया, मुझे कुछ नहीं हुआ। चाहता तो आपको उस समय रिलीफ दे सकता है। अगर उसने कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर दिया, ब्लड पतला कर लिया, तो आपकी वला टल सकती है। पर ग्रीड फैक्टर एंड फियर ऑफ लॉस 2 पॉइंट इज मोस्ट दैट पर्सन प्रैक्टिस पीरियड, वो आपको भयभीत कर देगा। और आप लोग या हम लोग ये सांसारिक प्राणी किस चीज से डरते हैं, समाज से और मौत से। समाज क्या कहेगा, अरे समाज का क्या करने भाई, पीपल मेमोरी इज वेरी शॉर्ट एंड साइलेंस इज गोल्ड। पब्लिक का क्या है, तो 2 मिनट के लिए है इनका, जहां स्वार्थ पूरा हुआ बुरे को अच्छा कह दे, नहीं हुआ अच्छे को बुरा कह दे। तो हमें सीखना क्या है, आयुर्वेद और अध्यात्म। हम आपसे पूछ रहे हैं छोटा सा, आप गार्डन में पूरा घूमिए, मैग्नेटिक एनर्जी मिलेगी, और उतनी देर आप अपने घर में लगे हुए मार्बल्स पे घूमिए बाहर जाकर के, आपको रोगी होने से कोई नहीं रोक सकता। हमें बीमारियों का कारण है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उससे हम स्टेटस सिंबल में भोजन करते हैं। हमारा आहार विहार शयन कैसा होना चाहिए इस पे काफी चीजें निर्भर है, और कभी भी मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन होता है। मैं ऐसा हूं महाराष्ट्र में रहता था, आज से 14 साल पहले की व्यवस्था थी जब मैंने एचआईवी पे रिसर्च किया। 150-200 पेशेंट को बाकायदे निगेटिव किया, निगेटिव होने के बाद कलेक्टर के ऑफिस के सामने मैंने धरना प्रदर्शन भी किया, राष्ट्रपति को लेटर लिखा, देश के बड़े बड़े लीडर्स को लेटर लिखा है ना, सारी चीजें हुई, और 250 लोगों का लीगली बिफोर आफ्टर रिपोर्ट के साथ एचआईवी निगेटिव किया, जो वर्ल्ड में क्योरेबल नहीं है। मेरा किडनैप जरूर हुआ 6 दिन के लिए, क्या 6 दिन ही हुआ, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। ये इंडियन डेमोक्रेसी है। 27 जुलाई 2011 को देश की राष्ट्रपति ने लेटर लिखा हेल्थ मिनिस्ट्री को, कहा इनकी बातें सुनी जाए, और आज क्या चल रहा है। एट लास्ट मेरा ये कहना है कि आपको जिस भूमि से जुड़ना है, आयु को बढ़ाना है, तो आयुर्वेद से जुड़ना है, और आयुर्वेद का सीधा रिलेशन आपके पारिवारिक व्यवहारिकता पर निर्भर है। आपने अगर अनुभव किया होगा कि आप जब घर के अंदर बैठे होते हैं, जब तक आपके घर के अंदर का आसपास का क्लाइमेट बेटर होता है, तब तक आपका बीपी नहीं बढ़ता।
जब तक आपके इच्छाओं के जैसा कार्य होना लगता है तब तक आपको कभी क्रोध, इच्छाओं के विरुद्ध जब कोई कार्य होता है सरकार, तब आपको क्रोध आता है। अब हम यहां भाई की बात करें, रामचरितमानस की कथाएं हैं क्यों करते हैं लोग, भागवत की कथा क्यों करते हैं? राम कथा अभी बताया कि बड़ी सुंदर कथा हुई जलाराम कॉलोनी में, जलाराम जी के मंदिर में, अच्छा लगता है। धर्म और आस्था का केंद्र है सदैव कथा भागवत होना चाहिए, लेकिन उस कथा से सीखा क्या उस पर भी निर्भर है। नहीं कथा खत्म हो गया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इससे कोई फायदा नहीं है। और वेदांत ने कहा है कि अगर श्रीमद् भागवत कथा या कथा में बैठ करके मन मस्तिष्क एकाग्र करके उसे जीवन में नहीं उतारा तो मात्र मनोरंजन है, वो कथा श्रवण किसी काम का नहीं। अगर भागवत कथा से राम कथा की ओर जाना है तो राम कथा से सीखना क्या है? छोटी छोटी चीजें, समय अभाव है लेकिन फिर भी भरत को देखते हैं। भाई कैसा होना चाहिए? भरत जैसा। भरत ने अपने भाई के लिए क्या क्या छोड़ा? भरत जी ननिहाल में है, पिताजी का देहावसान हो गया है, बुलाया गया, वशिष्ठ इत्यादि ने कहा कि भरत जी अब आप राज्याभिषेक करवा लीजिए, आप राजा बन जाइए। भरत ने ऐसा नहीं किया, क्यों गुरु भाई? भरत जी ने कहा कि होता है सच्चा मृतक कर्म सच्चा अंत्येष्ट संस्करण वह, जिससे हो शांत मृतक आत्मा सब विधि से सच्चा तर्पण वह। इस पार्थिव को जला देना मेरे पिता का अंतिम संस्कार नहीं है, अंत्येष्टि नहीं है। उनकी अंत्येष्टि का फल तो उन्हें तब मिलेगा, जीवात्मा को शांति तो मेरे भाई बहन तब मिलेगी जब उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। और मेरे पिता की इच्छा थी कि पहले मैं राम को राजा बना दूं। अरे गुरु, जो गुरुओं से बंधन के जगह पर क्रोध प्रस्तुत किया, कहने लगे वशिष्ठ जी अवध भूमि है जहां कहा गया कि प्राण जाए पर बचन न जाए, आज उल्टा हो गया। भाव ऐसा होना चाहिए, उल्टा हो गया महाराज, यहां पर वैसा नहीं हुआ। गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र सारे संत कहते हैं महाराज हमने तो वही किया जो आपकी मां ने मांगा, और भरत जी कहते हैं आपने वो नहीं किया जो मेरी मां ने मांगा। कहते मैंने वही किया, बोले बिल्कुल, आप उस वरदान की तरफ जाएं, वचन देना या लेना या मोहब्बत और वफादारी पे होती है। दशरथ ने अगर कैकेयी को वचन दिया तो उनका समर्पण था अपने पत्नी के प्रति, मोहब्बत था, सिखाना था, सब कुछ था कि ये कभी इसका दुरुपयोग, लेकिन उसने जो किया वो मजबूरी थी, दुरुपयोग था। कहने लगे कि मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया गया है। अब आप ध्यान दें, थोड़ा एक प्रश्न छूट रहा था बीच में, सारे श्रोता अच्छे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं मैंने वो किया, और भरत जी कहते हैं आपने वो, दोनों का प्रश्न अपनी जगह सही है, दोनों का उत्तर प्रत्युत्तर अपनी जगह सही है। भरत जी ने कहा चलिए आपने वो किया तो आप वरदान की पंक्ति पर ध्यान दीजिए, मेरी मां ने पहला वरदान क्या मांगा था? मेरी मां ने केकई ने पहला वरदान मांगा था प्रथम ही राज भरत कहूं दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। मेरी मां ने पहला वरदान मांगा था कि मेरे भरत को आप राजा बनाओ। दूसरे में कहा है कि ताप सवेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। इसका मतलब अगर मेरी मां ने कहा कि पहला वरदान भरत को राजा बनाना,
तो आपको पहले मुझे राजा बना देना चाहिए, और अगर मैं एक बार राजा बन जाऊं तो मेरा भरत कब, मेरा राम मुझसे कभी दूर नहीं जाएगा, ऐसा भाव अगर हर भाई में आ जाए तो मैं उसके लिए मानूंगा कि कथा श्रवण का लाभ हुआ, नहीं मनोरंजन का कोई फायदा। भाव ये होना चाहिए, भाई का प्रेम। अगर मुझे पहले आप राजा बना देते तो मैं मेरे राम को मेरे से दूर, वशिष्ठ जी ने वहां पर कहा ठीक है, और वहां संतों ने कहा सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल कहई बिलख मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विदिहात। वशिष्ठ जी ने बिलख यानी रोते हुए कह दिया, भरत होनी टाली नहीं जा सकती, लाभ हानि जीवन मरण यश और अपजस ये सारे प्रकृति और परमात्मा के हाथ में है, फिर भी हम अक्कड़ में पड़ोसी के नाश में ही लगे। क्यों? हम अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए किसी के भी व्यक्तित्व को, देश के व्यक्तित्व को, राष्ट्र की धरोहर को, स्वयं के अस्तित्व को क्यों गिराना चाहते हैं सिर्फ अपने प्रभुत्व को अस्तित्व के लिए, जबकि हर आदमी को ज्ञान है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। वेदों ने कहा है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और जिसका उत्थान है उसी का पतन है। प्रमाण आया है कई जगह कि एक समय पारथ ने भारत को जीत लियो, एक समय पारथ ने भारत को जीत लियो, एक समय कोल भील लूट लियो बनमा, और एक समय कृष्णचंद्र आधी रात भागी गयो, और एक समय कंस को मिटाए दियो छंडमा, और एक समय रावण ने दसो दिशा जीत लियो, एक समय दसो शीश काटी गयो रणमा, कहत विनीत सीख तुम इनसे लेओ, सूरज के तीन पन होते एक समय। कृष्ण वही जन्म लिया तो माता से कहने लगे मुझे सुरक्षित ब्रज में पहुंचा दो, और एक समय आया क्षण मात्र में कंस को मिटा दिया। दस के अंदर वही है जो एक पल में दसों दिशाओं पे विजय पाया और एक क्षण में दसों शीश कटवा लिया, बराबर है। कहने का ये समय को देख करके जीना चाहिए। अब भरत की बात करते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं। भरत ने इतने ही त्याग नहीं किया अपने भाई के लिए, और राम की त्याग की बात करते हैं। भरत ने अपने गुरुओं से तो व्यवस्था की ही तर्क की, अपनी मां से कह दिया तू मेरी मां ही नहीं हो सकती, जो मुझे मेरे भाई से दूर कर दे वो मेरी मां नहीं हो सकती। इतना प्रेम होना चाहिए भाइयों में, लेकिन आज इस जमाने में कलेजा हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। आपसी प्रेम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? भरत जी ने कहा कि आपको पता है कि अगर एक भाई मेरा वनवास में गया, आज एक भाई मेरा वनवास में गया, तो ऐ मां आज से मैं नंदी ग्राम में जाकर के सन्यासी जैसा बिताऊंगा जीवन, मुझे वो राज नहीं चाहिए जो मेरे भाई को दूर कर दे, ऐसा भाव आप में आना चाहिए मेरे मित्रों, तब तो कथा सुनने का मजा। राम नाम जपना पराया माल अपना। भरत ने कह दिया कि एक अकेला वन में जा रह सकता है वनवासी सा, तो मैं जीवन बिताऊंगा हर पल एक सन्यासी सा। अयोध्या को छोड़ दिया है, नंदी वन नंदी गांव में जाकर सन्यासी जैसा, और कहने लगे हैं कि जब तक राम राजा नहीं बनेंगे पृथ्वी ही मेरा बिस्तर होगा। इतना प्रेम भाई के लिए आ जाए तो भारत में फिर से सत्युग आ जाए, संतों के सानिध्य में रहे तो यह भाव जगना चाहिए। एक जगह मानस में प्रकल्प कल्पना आया है कि राम जी जा रहे थे और उनके पैरों में एक कांटा लग गया,
राम जी के पैरों में जैसे कांटा चुभा, राम जी ने कांटा उठाकर एक बाजू में रख दिया और धरती से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करने लगे, हे माँ मुझे कांटा चुभ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरा भरत इस रास्ते से आए कहीं मेरे भाई को एक कांटा न चुभ जाए। धरती ने कहा, वाह क्या भरत आपसे ज्यादा सुकुमार है, ज्यादा कोमल है? बोले, नहीं मां, भरत ऐसे सहस्त्र कोटि कंटकों की पीड़ा को सहन कर सकते हैं, हमें पाने के लिए जख्मों के उनके परवाह नहीं है। लेकिन जब भरत को यह पता लगेगा कि मेरे राम को ये कांटा चुभ गया तो शायद वो बर्दाश्त ना कर पाए, ये भाव हर भाई बहन में आना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग में भरत पहुंचते हैं, तीर्थराज प्रयाग प्रसन्न हो गया, मांगो ये भरत मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, मांगो मांगो, अरे भरत तुमको क्या चाहिए, मांग लो, जो चाहिए सब दे दूंगा। भरत जी ने कहा, मैं नादानों से दान नहीं मांगता, दान ना देने वाला नादान, मैं उसे क्या मांगूंगा। बोले, आप क्या दे सकते हो मुझे? कहने लगे, मेरे पास धर्म है, मेरे पास अर्थ है, मेरे पास काम है, मेरे पास मोक्ष है, मांगो भरत, इन चारों में से मैं सब कुछ आपको दे दूंगा। भरत ने कहा, तीर्थराज प्रयाग ये तो मुझे चाहिए नहीं, लेकिन अगर मुझे देना चाहता है वो दे दे तो जिंदगी भर में तेरी चाकरी कर लू। सत्य कहो मैं बचन सप्रीति, आहा ये भाव होना चाहिए ना भाई में, कि सत्य कहो मैं बचन सप्रीति, बाज बार रघुपति पद प्रीति। अरे तीर्थराज, अगर देना चाहते हो तो मुझे बार बार मेरे राम के चरणों में प्रीति दे दो, और जहां मेरे राम के चरणों की प्रीति ना हो, जहां मेरा भाई मेरे हृदय से न लगे, ऐसा अर्थ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा काम, नहीं चाहिए ऐसा मोक्ष जहां भाई भाई से दूर हो जाए। काश यही भावना हर भाई में आ जाए तो कथा श्रवण का आनंद ही हो जाए। कहने का श्रेय है कि हमारे जो ग्रंथ है, हमारे महापुरुषों की संगति हमें बदलनी चाहिए, हमने ऐसा नहीं खाली मनोरंजन के लिए जाना, हमें यह सीखना है कि हमारी मां से क्या बात करना चाहिए। दशरथ जी से वरदान मांग लिया कौशल्या कैकेयी ने, राम जी का आगमन हुआ, दशरथ मूर्छित पड़े, भाव देखिए, कितना भी पीड़ा सह करके अपने मां बाप को दुखद ना दे, क्योंकि इससे बड़ा कोई देवता नहीं। मैं नहीं जानता आपने ब्रह्मा देखा होगा, मैंने देखा, मैं नहीं जानता वो साधकों का विषय है सूक्ष्म रूप से कैसे मिलते, लेकिन अगर आप ये मान ले कि मेरी जननी ने मुझे जन्म दिया है, यही मेरे लिए ब्रह्मा है, तो सत्संग का आनंद है, अन्यथा टाइम पास करना है। जिस जननी ने आपको जन्म दिया वो आपके लिए ब्रह्मा है, जिस पिता ने आपका पालन किया अपमान सह के वो आपके लिए विष्णु है, और जिस गुरु ने आपके लिए त्याग करके दुखद मार्ग से सुखद मार्ग पर लाने के लिए स्वयं को मिटाकर साधना कर दिया, कचड़े से निकालकर सिर पर बैठा लिया, वो गुरु आपका शंकर है, था और रहेगा, ये भाव अगर आ जाए तो सत्संग का आनंद। भाव ही विद्युत, भाव देखिए कितना कटु है, कितनी स्थिति होगी, ऐसे समय भी ना रहने पर तो हर आपके पास जब सारी व्यवस्था है तो हर कोई ईमानदार है। अरे जब भूखा रहने पर चोरी नहीं करे उसे ईमानदारों का सरगना कहते। इतने दुख की स्थिति में गए और भरत जी ने जाकर के वंदन किया, प्रणाम किया, कैकेयी से पूछा, मेरे पिताजी का चेहरा क्यों मुरझाया है, मन मलिन क्यों है? उन्होंने कहा, बस कुछ नहीं, आपका मैंने वनवास मांग, आपको कोई अफसोस है? सारी वेदनाओं को देखते हुए उन्होंने एक चीज निर्धारित कर लिया कि मेरी मां जो करेगी मेरे लिए, शुभ चिंतन की बात करी,
राम जी ने एक भी शब्द नहीं बोला, राम जी ने एक लाइन कही कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात चरण अनुरागी, ऐसा भाव आ जाए तो फिर से श्रवण कुमार हर घर में आ जाए। लेकिन आज दुर्देव है, जब एक बूढ़ी माँ 10 बच्चों का पेट पालती है और 8 बच्चे उसको रोटी नहीं दे पाते, यह दुर्दैव है भारत का। कथा कर रहे थे एक जगह, माता जी आए, बोले बाबा भोजन हमारी तो आदत है शुरू से ही, फक्कड़ी में रहे, हमारे गुरु ने यही सिखाया था, पहले लोगों को खिलाना, बच्चे तो खाना नहीं, शिशु करके सो जाना, ऐसे गुरु के चौक। हम दोनों गुरु भाई है, गुरु जी ने सिखाया था मिले तो खाना और वो भी बांट के खाना, बच्चे तो खाना नहीं, शिव शिव करके सो जाना, मांग के खाना नहीं, बना के खाना नहीं, क्योंकि हम लोग नागा बाबा है, नागा और नाग ये दोनों घर नहीं बनाते, इनकी आदत ही दूसरे के घरों में रहने की होती है। ठीक है, तो कहने का श्रेय उस स्थिति में आप देख लीजिए। माता जी आए, बोले महाराज, हमने कहा माता भोजन करो, नहीं बाबा आज भूख नहीं है। क्यों? कुछ नहीं बाबा, उपवास है। माते ना आज एकादशी है, ना शिवरात्रि है, ना कोई तीज है, ना कोई त्योहार है, किस बात का उपवास है मेरी माँ? कहने लगी बाबा संतों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मेरी वेदनाओं को आप सुन लो। मेरे 2 बेटे हैं, 15 दिन का भोजन हम एक के घर करते हैं, 15 दिन का भोजन दूसरे के घर करते हैं बाबा, आज 31 तारीख है। कितना दुर्दैव है, 15 दिन का भोजन एक बेटे के पास, 15 दिन दूसरे के भात, अगर एक दिन बढ़ गया तो उस माँ का उपवास, आगे आप कैसे सुखी रहोगे? अगर कथा का श्रवण करना है तो सबसे पहले माता पिता की सेवा करना सीख लो। भाव अगर कथाओं का लिखेंगे, हम हमारे प्रक्रियाओं पर देखेंगे, तो सबसे पहली बात है ज्ञान आचरण में सार्थक है, बातों में नहीं। हमेशा आप एक दूसरे पे कंप्लेंट करते रहेंगे, ब्रांडिंग करते रहे, बाकी खुद को देखने की तो आदत नहीं है। अब विषय करते हैं यहां पर थोड़ा आयुर्वेद की तरफ। राम कथा के बारे में तो बहुत सारी चीजें, जब कभी समय आएगा प्रसंग बता रहे तो वहीं चले। राम जी ने इस स्थिति में भी क्या कहा, माँ वो पुत्र बड़भागी है जिसे माता पिता के चरणों में अनुराग हो। अब कौशल्या के पास गए हैं, कौशल्या भावुक हो गई है, कौशल्या कहती मेरे लल्ला आ जा, तुझे दही खिला दूं, मिश्री खिला दूं, तेरे माथे पे तिलक लगा दूं, तेरी बलैया उतार दूं, तुझे किसी की नजर ना लग जाए, क्योंकि आज तू युवराज होने वाला है ना। राम जी को तो पूर्ण ज्ञान है, राम जी कह सकते थे ना माना तुझे गलत संदेशा मिला है, मैं कोई युवराज नहीं बन रहा, मेरे बाप ने तो वनवास दे दिया, कह सकते थे ना। पर मेरी माँ का हृदय दुख ना जाए ऐसे शब्दों का उपयोग हम उन्होंने नहीं किया, और बड़े ही सुंदर शब्दों में माँ को समझा दिया कि पिता दीन मोहि कानन राज। अरे माँ तू बात युवराज की करती है, मेरे पिता ने तो मुझे राजा बनाया, वो भी जंगल का। कहने का श्रेय है कि कोई भी जीवन में ऐसे कृत ना करें कि आपके माता पिता का दिल दुखे, क्योंकि मेरे भाई पिता और गुरु दोनों एक जगह हारना चाहते हैं। दुनिया में जीतना चाहते हैं, पर पिता अपने पुत्र से हारना चाहता है, माँ अपनी बेटी से हारना चाहती है, गुरु अपने शिष्य से हारना चाहता है, बल से नहीं, पौरुष से नहीं, पुरुषार्थ से नहीं। हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र एक उदाहरण प्रस्तुत कर दे जिससे दुनिया की समझ में आ जाए कि पिता ने तो थोड़ा सा त्याग किया, स्वर्णिम कीर्ति तो इस बेटे से उसकी पहचान बन गई, इस तरीके से हारना चाहता है पिता।
गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे भी ऊपर जा करके गुरु महाराज की ध्वजा ले रहा है, ये हर गुरु की इच्छा होती है। वो बात अलग है, कहीं कहीं की बात है कि गुरु सब मित्र शत्रु नहीं दूजा, आ पाए फल जय की न्यू पूज है ना। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, अब वो विषय लंबा रह जाएगा, कि गुरु वही है, एक को विद्या एक का अंगूठा, और उस तिथि के दिन हमारे यहाँ विद्या अध्ययन का निषेध भी है शास्त्रीय पद्धति में। तो कहने का श्रेय हमें आपको बताना चाह रहे थे कि हम पहले कौन हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारा आहार क्या है, हमारा संस्कार क्या है, कैसे हो हमारे परिवार के विचार, कैसे हो हमारे एक दूसरे के प्रति व्यवहार, कैसे हो हमारे संस्कार, ये जानना बहुत जरूरी है। और अगर ये नहीं जानेंगे, अब आप देख लीजिए छोटा सा, आप सारे पढ़े लिखे हैं, अगर थोड़ा वेदों में जाएंगे तो वहां ये लिखा है कि जो प्राणी ओठों से भोजन करता है उसे मांस खाने का हक नहीं है। गाय मांस खाती है क्या? बकरी खाती है क्या? भैंस खाती है क्या? लेकिन ये दो पैर वाला दो होंठ वाला रुकता भी नहीं है, इसका क्या निषेध है? जैसे खाओगे अन्न वैसे हो जाएगा मन। हम आयुर्वेदाचार्य हैं, बाबा गिरी का काम नहीं है, सारा साइंटिफिक काम होता है। वेदों ने कहा है कि अगर आप मछली खाएंगे उसके अंदर मरकरी का लेवल ज्यादा है, अगर आप बकरे का मांस खाएंगे उसको खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा। प्रोटीन ज्यादा वाली कोई भी चीज आप अगर खाते हैं तो किडनी पे उसका इफेक्ट हो जाएगा। आपको वही खाना चाहिए जो आप डाइजेस्ट कर सके। और भोजन की श्रृंखला तो हमारे वेदों ने ये कही है कि सवेरे का भोजन नवाबी हो, अखरोट बादाम काजू पिस्ता जो चाहिए खूब खा लो, दोपहर का बादशाह ही हो, लेकिन शाम का भोजन फकीरी होना चाहिए। आहार पे नियंत्रण करें, बिहार पे। अब हम एक एक चीजों पे बताएंगे, कुछ बीमारियों के बारे में मेरे बच्चों से